चलिए जीडी का क्लास है और सप्ताह में एक दिन हम लोग जीडी करते हैं। जरूरत नहीं है जीडी करने का, सच बात ये है। लेकिन अगर आप अपने तरीके से देखो तो जीडी करना बेहद जरूरत है, क्योंकि आपके जीवन का है और आपके उससे भी थोड़ा ऊपर हटके अगर बात करो तो आपके लक्ष्य का है, एक उद्देश्य है, आपको इंटरव्यू तक पहुंचना है। और इंटरव्यू तक पहुंचना है तो आपको बोलना आना चाहिए। बोलने तो आता है, लेकिन कहां क्या बोलना चाहिए और कैसे बोलना चाहिए वो हमें पता नहीं है। हमें बस वही सीखना जीडी में, हम इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए जीडी में ताकि हमें कभी भी जब मेंस हो जाए तो इंटरव्यू के लिए मॉक देने की जरूरत ना पड़े कहीं। इसी उद्देश्य से इसको स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो सके। आपको हो सकता है जब स्टार्ट होगा, जब आपके पास कैमरा जाएगा तो थोड़ा सा तकलीफ होगा, लेकिन जब हमको सीखना है, जब हम पहली बार कैमरे के सामने बोल रहे हैं तो डर तो होगा ही होगा, लेकिन आप घबराइएगा नहीं, बल्कि जो आएगा जैसे आएगा बोलने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि जो इंसान कोशिश कर रहा है वो आगे चल के कोई ना कोई ऐसा दिन, कोई ना कोई ऐसा महीना या फिर कोई ना कोई ऐसा साल होता है जहां पर वो सक्सेस कर जाता है और फिर दुनिया ताली बजाती है। यकीन मानिए अगर आप भी कंटिन्यू कोशिश कीजिएगा तो सिलेक्शन ले लीजिएगा। हिस्ट्री ऑप्शन में 62 लोग का एडमिशन है, इसमें आपके पास में मुश्किल से 37 स्टूडेंट प्रेजेंट है, बाकी लोग कहां गए? क्योंकि जैसे ही मैंने मैसेज किया कि आप जीडी है, लोगों ने अब्सेंट मार दिया। क्यों मारा अब्सेंट? क्योंकि सामने बोलने में डर लगता है उनको। अगर हर बार ऐसे ही अब्सेंट होते चल जाएंगे तो क्या कभी सीखेंगे? क्या आपको लगता है कभी सीखेंगे? इसलिए आप लोग वो इंसान है, वो स्टूडेंट है जो सीखने के प्रति दीवानगी पैदा की है, इसीलिए आप यहाँ पे हैं। वरना आपको भी अब्सेंट होते तो मैं कुछ नहीं करता, आप आराम से घर में बैठ सकते थे, है ना? लाइए दिव्या के पास, लाइए, खड़ा हो दिव्या। बताओ दिव्या, राजपूत के बारे में तो समझाओ। राजपूत की मृत्यु 647 इसके बाद भी राजपूत का विजय हुआ, जो राष्ट्रवाद राजपूत और राजपूत छोटे छोटे राजपूत में एकता का अभाव नहीं था, जिसकी वजह से वह छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया, जैसे रथौर, चंदर, लेव आदि। सामंत में एकता का अभाव नहीं था, सामंत शत्रु से मिल जाते थे और राजपूत युद्ध को युद्ध नहीं समझते थे। और राजपूत के दो राजनीतिक कारण समझाओ मुझे, बस दो ही कारण बताओ, क्या है दो राजनीतिक कारण? वो छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया, एकता का अभाव नहीं था, वो सामंत शत्रु में शत्रु से मिल जाते थे कभी कभी। और राजपूत है जो शत्रु पे निहत्ते शत्रु पे वार नहीं करता था, नैतिकता का पालन करते जी। ले जाइए लवली के पास, ले जाइए कैमरे, खड़ा हो लवली, देखो इधर। महात्मा गांधी की दो ऐसी बातें बताओ जो आज भी तुम्हारे जीवन में और तुम्हारी नैतिकता में वो शामिल, जिसको आज भी तुम आगे किसी को बता सकती हो कि ये चीज आपके अंदर जरूर होना चाहिए अगर आप भारत में पैदा लिए हैं तो। आराम से बोलिए, कोई रिलैक्स होकर, जो भी दिल करे बोलने में कोई शर्माना नहीं है, है ना? हम लोग सीख रहे हैं और सीखने में किस बात का शर्माना? बोलो लवली। महात्मा गांधी के बारे में बोलो। राजपूत से बता सकती है? ठीक है,
अच्छा बताओ मुझे, राजपूत के पतन के दो कारण बताओ। उनमें एक था वो राजा सेना में ही रखते थे, वो सामंतों पे निर्भर थे और सीमा सुरक्षा मिला कर। एकता का अभाव का मतलब क्या होता, समझाओ। एक साथ में थे वो, छोटे छोटे भाग में बटे, छोटे छोटे राज्य में बटे गए। ये कब से शुरू हुआ? 645 के बाद। 46 से 47। कब? ले जाइए आलोक जी के पास, ले जाइए कैमरा ले जाइए। आलोक जी खड़ा होइए। इतिहास ऑप्शन है ना आपका, मुझे ये बताइए इतिहास, थोड़ी सी साइड से क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, चलेगा ना? हाँ। इतिहास लेने के दो पॉजिटिव कारण और इतिहास ऑप्शन नहीं लेने के दो नेगेटिव। पॉजिटिव में सर अगर हम देखें तो अगर हम इतिहास को लेते हैं तो इसका सबसे बड़ा फायदा हमें होता है कि प्रीलिम्स में एक तिहाई क्वेश्चन अगर आप देखें बिहार स्पेशल और हिस्ट्री को लेके तो वो इतिहास से कवर हो जाता है। और दूसरा है कि उसका जो प्रभाव है, आप GS 1 पेपर जब लिखते हैं उसमें भी आपका फर्स्ट पार्ट जो है वहाँ से उसको आप कर सकते हैं। और कितने नंबर का था फर्स्ट पार्ट? 114 नंबर का। कितने में? 300 में। और यहाँ जो प्रीलिम्स में है उसमें 150 में 35 से 40 नंबर अनुमानतः देखा गया है। और नकारात्मक कारण यह है कि अगर आप इतिहास नहीं लेते हैं तो आपको इतिहास तो पढ़ना ही पड़ेगा, आप उसको छोड़ नहीं सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए उसको पढ़ना पड़ेगा और मेंस पार्ट वन के लिए भी आपको वह पढ़ना पड़ेगा। तो यह एक फीडबैक है कि अगर आप इतिहास लेते हैं तो आप तीनों पार्ट को एक साथ कर सकते हैं। एक और लास्ट क्वेश्चन, आखिर फिर भी बच्चा जब जान रहा है कि इतना इसमें पॉजिटिव पॉइंट है हिस्ट्री ऑप्शन लेने का लेकिन फिर भी नहीं लेते हैं, इसके दो कारण। सबसे बड़ा कारण है कि सर जब हम इतिहास को देखते हैं तो उसको तीन पार्ट में बांट लेते हैं, एक तो प्राचीन से चर्चा, एक प्राचीन मध्यकालीन और मतलब कि मॉडर्न। तो हम लोग देखते हैं कि इतना लेंदी लगने लगता है पहले, जो इतिहास को नहीं समझते हैं या नहीं जान रहे हैं पहले से। और विश्व इतिहास भी ऑप्शनल में है तो लोगों को लगता है कि काफ़ी ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इसका जो आगे जो प्रीलिम्स और मेंस पार्ट वन में जो है वह नहीं देख पाते, इस कारण लोग इससे हिचकते हैं। लेकिन इसका एक फ़ायदा भी है सर, अगर आप इतिहास पढ़ते हैं और मिनिमम हर मेंस के लिए अगर आप 15 से 20 क्वेश्चन अगर खुद से तैयार कर लेते हैं, किसी टीचर की भी ज़रूरत नहीं है इसमें, तो उसमें से 6 क्वेश्चन आप खुद से लिख सकते हैं मेंस में और वो आ जाएगा अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। मैं श्वेता के पास कर रहा हूं। उनको श्वेता से ही पूछे। हाँ श्वेता, मुझे ये बताओ राजपूत के सामाजिक कारण, दो सामाजिक कारण को चर्चा करो। राजपूत के समय में स्त्रियों के लिए शिक्षा का द्वार खुला हुआ था और उस टाइम में विधवा विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। उस टाइम में सर ये सती प्रथा भी था और जौहर प्रथा भी था। जौहर प्रथा क्या होता है? जौहर प्रथा तो बोलिए जरा समझाना। तो स्त्री जब अपने सम्मान के लिए सर, मतलब अपने सम्मान के लिए जब आग में खुद को समर्पित करते हैं, मतलब अपने ऊपर जब उसे खतरा महसूस होने लगता था तो अपने जीवन को अंत कर देती थी आग में कूद के। नहीं बैठ ले जाइए पांडे जी के पास में, खड़ा पांडे जी। राजपूत के पतन के नैतिक कारण बताइए। राजपूत के पतन के नैतिक कारण ये थे कि राजपूत नैतिक कारण क्या होता है? नैतिक कारण मीन्स कि उनके जो अंदर जो भावनाएं होती हैं, उनके बहादुरी के प्रति जो दिखता है, दूसरे के प्रति उदार दिल रखना, यही नैतिक कारण होता है। एग्जाम्पल की जैसे कि अगर कोई
शत्रु उनका शत्रु युद्ध भूमि में लड़ रहा हो और वो घायल हो गया हो या युद्ध भूमि से भाग रहा हो तो उन पर कभी वो वार नहीं करते हैं, या फिर अगर उनके शत्रु हाँ असहाय हो तो उन पर कभी भी वार नहीं करते हैं, उनको छोड़ देते हैं, जिससे आगे चलकर राजपूत वंश को काफ़ी उनको नुकसान का मुआवजा करना पड़ता था, जैसे कि आगे चलकर शत्रु उनको धोखा देता था। थैंक यू सो मच। लाइए बबली के पास, कौशिक के पास लाइए कैमरा। कौशिक खड़ा, राजपूत के पतन के दो आर्थिक कारण समझाओ मुझे। आर्थिक कारण समझ रही हो ना? हाँ अब बोलो। राजनीति कारण ही बोलो। राजनीति कारण डरो नहीं, बस बोलो, घबराने की जरूरत नहीं है। राजनीति कारण होगा कि राजपूत साहसी थे, बहादुर थे, लेकिन वो दूरदर्शी नहीं थे, जिसके कारण उनका पतन हुआ। राजपूत लड़ाकू प्रवृत्ति, दूरदृष्टि बोली ना तुम, एक शब्द यूज की ना, दूरदृष्टि मतलब क्या होता है? वो दूर का नहीं सोचते थे। हाँ राजपूत लड़ाकू प्रवृत्ति के थे, जिसके कारण वो छोटे छोटे राज्यों में बढ़ गया, और छोटे छोटे जातियों में जैसे चौहान हुआ, राठौर हुआ, परम्बार हुआ, उस समय अपने आप में युद्ध होना स्टार्ट हो गया। आलोक जी के पास आइए, आलोक जी खड़ा होइए। आलोक जी मुझे ये बताइए, राजपूत के पतन का दो धार्मिक कारण, राजपूत काल में वर्ण व्यवस्था पर भी आधारित थे, क्योंकि उस समय ब्राह्मण और राजपूत को दोनों को उच्च दर्जा दिया जाता था और निम्न वर्ण वाले को कोई भी विशेष सुविधा भी नहीं दिया जाते थे। राजा जो होते थे वो भी ब्राह्मण के साथ उसका उठना बैठना था और निम्न वर्ग वाले के साथ उससे मुलाकात भी नहीं कर पाते थे। वर्ण व्यवस्था आप यूज किए ना सर, क्या होता वर्ण व्यवस्था जरा समझाइए। वर्ण व्यवस्था ऋग्वेद काल से आते हैं, जो ऋग्वेद में काम के आधार पर था और उत्तर वैदिक काल में धर्म के आधार पर हो गया, वो चार भागों में बटा हुआ था। एक धर्म के आधार पर या जन्म के आधार पर? ऋग्वेद काल में जन्म के धर्म के आधार कर्म के आधार पर था सर, और उत्तर वैदिक काल में जन्म के आधार पर हो गया, चार वर्ग में बटा हुआ था, क्षत्रिय ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। शिवम के पास ले चलिए, तो थोड़ी खास शिवम, राजनीति कारण समझाइए हमको। राजपूत के पतन के राजनीति, राजपूत के पतन के एक लाइन का। यस हाँ इंग्लिश बोले, हाँ हाँ इंग्लिश तो बोलो। द रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ द राजपूत कारण are as follows. The first one, that their secret services worked not well, so that they will not be able to find that who is going to attack. The second one is they were not having a political view on what is going to happen. Happen? Boliye. मतलब डरिए नहीं, केवल तो बोलिए, तो इतना बढ़िया तो आप लिखते हैं। का अभाव था और राज इतना बोलिए, हिंदी में क्यों आ गए, हम समझ रहे हैं सब कुछ सर, इंग्लिश हिंदी कंफ्यूज कर जा रहे हैं सब लोगों को। तो किस में कंफर्ट है बोलने में? हिंदी में। ठीक है हिंदी बोलिए।
शुरू आप ही बोले कि इंग्लिश में बोले तो बोले हाँ बोलिए हाँ बोलिए राज इंग्लिश मीडियम के ही है हाँ बोलिए इंग्लिश में मतलब हिंदी में सारा पढ़ाया होता तो इंग्लिश में मेरे पास वर्ड सी वुमन इज पुट ऑन फायर विद हिज हस्बैंड व्हेन हिज हस्बैंड डाइड और एक और आपसे पूछना चाहेंगे जौहर प्रथा इट्स अ सिस्टम व्हेन द वुमन फाइंड्स हरसेल्फ इन डिस्ट्रेस देन they hire themselves to the fire. For example, एक example दे सकते हैं। एक भी example को नाम ही बता दीजिए। महारानी पद्मा। Good. Right. लाइन। नीरज पास। नीरज खड़ा। नीलम सिंपल क्वेश्चन तो हमको बताना पर तुम्हारे लाइफ ही क्वेश्चन हम बनाए हैं तुम मुझे बताओ कि इतिहास का तुम्हारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है दो प्रभाव बताना जैसे कस के बोलती हो ना क्लास में वैसे यहाँ भी बोलो इतिहास का हमारे दैनिक जीवन में बहुत प्रकार का असर देखने को मिलता है जैसे कि अगर जो पहले घटनाएं हुई हैं तो अगर वो दोबारा हमारे साथ वो घटनाएं घटती हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं ये चीज़ें हमने बुकों में पढ़ा था तो अगर यह करेंट अफेयर से रिलेट किया जाए जैसे कि यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध हुआ है वो अगर हिस्ट्री में देखा जाए तो पहले औद्योगिक क्रांति से रिलेट किया भी जा सकता है जैसे कि वहाँ पर पावर रोटी के लिए एक मतलब युद्ध हुआ था और मतलब वो डेवलप कंट्री था और यहाँ पर भी मतलब तुम्हारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ रहा छोड़िए ना इधर उधर की बात तो घुमाइए तुम अपने जीवन पे बस मुझे प्रभाव होता तुम्हारे पढ़ा ना प्रभाव पढ़ रही हो ना छह महीना से कुछ पढ़ा इतिहास का प्रभाव यस सर तो क्या पढ़ा जीवन के चार क्षेत्र में पढ़ा होगा बताओ दो क्षेत्र का घबराओ नहीं बोल सकती दूसरा टॉपिक देखिए तो आसान टॉपिक तो है चलो छोड़ बहाना मत करो मेरे पास क्योंकि बहाना से मैं नफरत करता हूँ इतना तुम सोच भी नहीं सकते चलो दूसरा क्वेश्चन मैं देता हूँ बताओ लेकिन छोड़ेंगे नहीं सिंध पे अरबों का आगमन हुआ इसमें तो तुम क्लास में थी ना पतन के दो कारण बताओ जो अब्सेंट रहेंगे बता देंगे हमको तुमको दूसरा क्वेश्चन हम डाल देंगे आराम से बोलो रिलैक्स होकर बोलो आराम से बोलो तत्कालिक कारण ही बता दो बस वही एक ही लाइन में बता के हमको खत्म करो वो भी तो बताओ इसका मतलब नहीं पढ़ती हो तुम अभी तो तुम वही रखी हुई नोट्स भी नीचे वही हो बहाना तो गलत बात है ना आप इस उम्र में आके बहानी करेंगे बहाना बनाएंगे तो गलत है ना एक एक लाइन सब बता रहा है ना आपसे नया है आप तो पुरानी है सुने आप ऐसे कीजिएगा तो नया वाला तो क्या करेगा तो सोचो बैठिए रोमी खड़ा राजपूत पर क्या पक्का राजपूत के दो सामाजिक कारण समझाओ मुझे रोमी सही है अच्छी थी इसका मतलब है शिक्षित थी हाँ। नहीं शिक्षा और... का द्वार भी खुला हुआ था राजपूत स्त्रियां 200 से ज्यादा साहसी और बहादुर होती थी सती प्रथा और विधवा विवाह ये सब प्रचलित प्रथा है सती प्रथा प्रचलित था लेकिन विधवा विवाह
पर्दा प्रथा क्या होता? मतलब औरतें घूंघट के अंदर, तो बहुत इसे डिटेल से समझाओ ना, एक एक लाइन में छोड़ देती है, ये सब तो जानती है ना। हाँ, कोई जौहर प्रथा भी था पता है क्या होता जौहर प्रथा? स्त्रियां अपने सम्मान के रक्षा करने के लिए आग में अपना समर्पण करती। हाँ, तब जब पति उसके खतरे में रहता है। गुड, बैठ। यही तो है, यही तो सीखना है हमें। क्या इसी के लिए तो हम यहाँ संस्था में आए हैं? बातें समझ रहे हैं? एक्चुअली संस्था वही होता है जो आपको सिखा सके, पढ़ाने वाला संस्था नहीं होता। पढ़ाने तो घर ही बहुत आता, और तो घर नहीं रहे, यहाँ सीखने के लिए आते हैं। अगर यहाँ भी पढ़ने लग जाएगा तो जीवन में सीखिएगा कहाँ जाएगा, मानते हैं इस बात को ना? क्या नाम? मुस्कान, खड़ा ले जाइए मुस्कान के पास में कैमरे। हिस्ट्री ऑप्शन से खुश हो? बोल नहीं सकते हो मुस्कान? यस सर। हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में जानती हो? यस सर, जानते थे, बस इतना ही। क्यों थोड़ा देर में पॉज करो पहले। हाँ मुस्कान, तुम हमको बताओ राजपूत के पतन के दो कारण। सर, राजपूत जब भी युद्ध लड़ते थे तो वो संयुक्त मोर्चा के आधार पे नहीं लड़ते थे, वो टुकड़ों में जाकर के युद्ध किया करते थे। फर्स्ट कारण ये हुआ, और सेकंड कारण हुआ कि उनमें एक तो कमजोर गुप्तचर व्यवस्था थी वहाँ की, जिस कारण। गुप्तचर व्यवस्था का मतलब क्या होता है? गुप्तचर व्यवस्था जैसे एक हर राज्य की एक व्यवस्था होती है, गुप्तचर व्यवस्था जिसमें बाहरी राज्य के बारे में सूचना दिया जाता है कि बाहर राज्य का क्या हो रहा है, मतलब कभी भी कोई अटैक कर सकता है, जो अभी भी वर्तमान में भी है सुरक्षित। हाँ, दूसरा बताइए। और थर्ड कारण हुआ कि वो नवीन शस्त्रों का यूज नहीं करते थे, जिस कारण उनको युद्ध में मतलब नवीन शस्त्र जैसे सफलता नहीं मिली। हाँ, तो कौन सा नवीन शस्त्र नहीं उपयोग करते? जैसे जो प्रतिद्वंदी थे वो तीर धनुष का यूज करते थे, जिस कारण, और ये थे पैदल सेना यूज करते थे, और फिर हस्त सेना। हाँ, जिस कारण वो मतलब एक तो थक जाते। अस्त्र कौन सा यूज करते थे? तलवार। सोनम, सोनम के पास ले जाइए। हाँ सोनम, आप बताइए। हाँ सोनम, राजपूत के राजनीति कारण समझाइए। राजपूत काल के राजनीतिक जीवन पहला कारण था कि वो लड़ाकू प्रवृत्ति के थे, वो युद्ध को युद्ध नहीं समझ के उसको खेल समझते थे। लड़ाकू मतलब क्या होता है? बच्चे नहीं समझ रहे लड़ाकू, तुम बोल दी हो। लड़ाकू का मतलब का डिफाइन कर दो एक लाइन में। जैसे लड़ाकू किसको कहोगे? जैसे वो युद्ध को युद्ध नहीं समझते थे, वो युद्ध को हल्के में लेते थे। लड़ाकू मतलब युद्ध को हल्के में लेगा लड़ाकू आदमी, लड़ने की क्षमता नहीं, हमेशा लड़ने वाला। आगे बोलो। और दूसरा है कि एकता मतलब राजपूत काल में एकता का अभाव था, जिसके कारण संपूर्ण उत्तर भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया। और एक कारण और हम देख सकते हैं राजपूत काल का कि कूटनीति का अभाव में था कि वो ना तो भागते हुए, ना तो वो पीछे से वार करते थे, और हत्थे पे वार नहीं करते थे। श्याम जी खड़े, श्याम जी के पास ले जाइए कैमरा। राजपूत के धार्मिक कारण से राजपूत के धार्मिक
सर राजपूत की सर धार्मिक कारण पहले तो राजपूत वंश की चर्चा भविष्य पुराण एवं भागवत पुराण में महोत्तम अगस्त एवं और अगस्त मुनि और गौतम ने अबू पर्वत पर यज्ञ करके राजपूत की उत्पत्ति हुई है। धार्मिक में चर्चा नहीं है, चर्चा है सर भागवत पुराण और भागवत पुराण में चर्चा है जिसमें अगस्त और गौतम मुनि ने अबू पर्वत यज्ञ करके राजपूत की उत्पत्ति की है। ले जाइए गौरव जी के पास, कहा गौरव इतिहासकार मानते हैं कि राजपूत वंश जो था वो भारतीय नहीं था, तो एक इतिहासकार उनका नाम बताइए जो ये प्रूव करने में सफल हो गए कि सच में राजपूत वंश भारतीय नहीं था, और कुछ भारतीय इतिहासकार का नाम बताइए जिन्होंने कहा कि ये राजपूत जो है, जैसे आरसी मजुमदार हुए, वो बोले अग्नि से उत्पन्न नहीं हुए, उसके बाद गौरी शंकर ओझा हुए वो भी बताया अग्नि से उत्पन्न नहीं हुए। महर्षि वशिष्ठ, उसके बाद गौतम, अगस्त, ये सभी अबू पर्वत पे यज्ञ किए, उसके बाद राजस्थान में, इसके बाद ही राजपूतों की उत्पत्ति हुई, जैसे चौहान हुआ, परमार हुआ, चालुक हुआ, ये सभी की उत्पत्ति हुई। तो इसको वो प्रूफ कर दिए अग्नि से उत्पन्न नहीं हुआ मजुमदार, जैसे कर्नल टोड हुए वो बोले कि ये कुषाण कुषाण शक आदि के वंशज हैं, उसके बाद एक ग्रुप थे वो भी बोले थे कि मतलब ये गुर्जर शक के मतलब कुषाण का वंशज है, उसके बाद स्मिथ हुए वो बोले कि इसका रहन सहन विदेशियों के समान मिलता है, जैसे कि उसका वो भी यज्ञ करते थे तो सब कुषाण भी यज्ञ करते थे। ले जाइए अशोक जी के पास में, अशोक जी खड़ा है। अब सिंपल एक चीज बता दीजिए अशोक जी, सामंतवाद इसका डिफिनेशन समझाइए मुझे। सर सामंतवाद भूमि आधारित व्यवस्था थी, इसकी शुरुआत मौर्योत्तर काल में सातवाहन वंश के समय शुरुआत किया गया था। सुपर सर, शुरू में मतलब ब्राह्मण को धार्मिक दृष्टि से भूमिदान दिया जाता था, फिर गुप्तोत्तर काल में इसको राजस्व अधिकार भी दिया गया, और फिर प्रशासनिक दृष्टि से शांति बनाए रखने के लिए भी। और सर ठीक है, एक क्वेश्चन और आप समझ चाहिए, सामंतवाद हिंदुस्तान में भी है और सामंतवाद यूरोप में भी है, ठीक है, यहाँ और वहाँ में क्या अंतर है, बस एक अंतर आप मुझे समझा दीजिए सर, दोनों के सामंतवाद में क्या अंतर है? भारतीय सामंतवाद और यूरोपीय सामंतवाद में मुख्यतः तीन चार बिंदु बता सकते हैं सर। फर्स्ट, यूरोपीय सामंतवाद आर्थिक व्यवस्था पर ज्यादा बल देते थे, भारतीय सामंतवाद में ऐसा नहीं था। और सर यूरोपीय सामंतवाद में काउंसिल जैसी संस्था थी जो कि किसी खास भूमि लेकर उसको जमीन मतलब फसल उपजाया करता थे, और उसमें माइनर प्रणाली थी सर यूरोपीय सामंतवाद में, भारत भारतीय सामंतवाद में ऐसा प्रथित नहीं था। आप लोग बोले जीडी में कैसा फील लगा, कैसा लगा आपको? एक चीज नहीं, हमको मत बोलिए, खुद को बोलिए। एक चीज तो आपको लगा ना कि डर खत्म हुआ, थोड़ा ही बोले। कई ऐसे स्टूडेंट थे जिनको लग रहा था कि ये अटकने वाले हैं, तो वहां हमने मना कर दिया, क्योंकि हमने आपका क्या किया, सम्मान किया। हमें लगा कि नहीं इतना ही तरह से, कई के ऐसे थे जिनके क्वेश्चन को मैंने बदल दिया। कई लोग जो पूरी जितोड़ मेहनत किए हुए थे वो अपना परफॉर्मेंस बेस्ट दिए, लेकिन कई लोग थे जो बहुत अच्छा किए, बहुत अच्छा मेहनत करके आए, लेकिन बोलने बंद कर बढ़ा गए आके यहाँ पे। ऐसे भी स्टूडेंट बैठे हुए थे जो पूरा मेहनत करके आए लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं दे पाए।
इसका मतलब है कि इन सब में धीरे धीरे बदलाव हो रहा। जिस दिन बोलने आ गया ना उसे तो कमाल हो जाएगा, डर ही दुनिया से खत्म हो जाएगा, डर ही दुनिया से खत्म हो जाएगा। हमें समस्या है, बोलने ही नहीं आ रहा। क्लास में खड़ा कर दो, बोलने की हिम्मत नहीं है। क्लास में आ गए, लाखों रुपया बहा रहे हैं, टीचर से क्वेश्चन पूछने की हिम्मत नहीं हो रही है। अब देखो ना क्या सिस्टम हो गई है, बच्चा जहां से चला था वहीं पे ले जाके खड़ा है। और ये एक शुरुआत है, धीरे 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 इतना मजा आने लगेगा कि आप आराम से बोलोगे। और जिस दिन हर टॉपिक पे दो दो लाइन बोलने की आदत हो जाएगी, और आसानी से जब जहां जिस परिस्थिति में हो अगर बोलना सीख लिए, तो समझो तो वाकई में उसी दिन तुम एसडीएम बन चुके हो। अभी अब एक अंदाजा लगा लो कि भी चलना हम लोग शुरू किए, कितनी कमियां हमारे अंदर है। इससे हम बस एक चीज सीख सकते हैं कि जो लोग इंटरव्यू देते हैं वो लोग कितना सफर तय करते हैं। जो लोग इंटरव्यू दिए हैं अगर 3 साल में वो सफर करके वहां पहुंचे हैं, तो क्या हम 1 साल में नहीं सफर तय कर सकते हैं? क्या हमारे अंदर नहीं काबिलियत? क्या हो सकता है उनको गाइडेंस की कमी रही हो? हो सकता है वो अकेले चल रहे हो। आपके साथ तो मैं चल रहा हूं, आप अकेले थे कब, हैं कब, रहेंगे कब? मैं तो तब तक आपके उंगली नहीं छोड़ने वाला हूं जब तक आपको सिस्टम के अंदर ना जाके बैठा दूं चेयर पे। लेकिन तब जब आप साथ दीजिएगा, अकेले मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मेरे बस के बाहर की बात है। और अकेले आप भी कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको फाइनली किसी न किसी कृष्ण की तलाश करनी पड़ेगी, चाहे यहां कीजिए या बाहर जाके किसी टॉपर से मिलिए। क्या टॉपर बता रहा है ऐसी बातें? क्या बता रहा है वो जो आपको नहीं पता है? जरा बताइए मुझे, जो टॉपर जानता उससे ज्यादा आप जानिएगा, उससे एक छोटा सा भी कम नहीं जानिएगा। एक आपने वर्ड अभी सुना कि दूरदृष्टि का अभाव है, आपने एक वर्ड सुना ना, दूरदृष्टि का अभाव है। यही दूरदृष्टि का अभाव आप लोग के साथ में है। कोई टीचर करने ही नहीं देता आपको, उतना दूर तक सोचने की ताकत ही नहीं देता आपको। अगर हर टीचर हर संस्था में कम से कम एक दिन जीडी हो जाए ना, तो हमारे बच्चों के अंदर ना सक्सेस का पौधा तुरंत निकल जाएगा। और देखते देखते वो कब पेड़ बन जाएगा वो बच्चों को भी पता नहीं चलेगा। लेकिन कुछ ऐसी बातें होती है जिसको ढंग के आपको रखा जाता है, जिसको कहते हैं प्रथा। अरे अभी अभी पुलिस वाला, उससे पुलिस पे फोकस दो, ये किसने आपको बता दिया? आपको ओवरऑल चाहिए। ये बातें हम इंटरव्यू में कर सकते थे, 1 महीना बुला के आपको। वो ड्रामा होता जो सब कोई कर रहा, बैठा के 5 क्लास ले लिए, बता दिए ये कम करना, फोटो रख लो। शुरू से क्यों ना बच्चों को सिखाया जाए कि जब बच्चा बैठे तो 120 में 70-80 आते थे, हफने लगता बच्चा। क्यों नहीं 115 आ सकता भाई? क्या कमी हमारे अंदर है? फिर बता के तो देखे। कमी बस यही है कि बोलने के लिए खड़ा करते हैं तो रात भर पढ़ क्या है, फिर भी दिन में प्रेजेंटेशन नहीं दे पा रहे हैं। यही कमी है सबसे बड़ी। और ये इतनी बड़ी कमी है कि आपके पूरे साल की मेहनत, पूरे साल का पैसा, पूरे साल का सुकून, पूरे साल का त्याग, चाहे वो पर्व हो, त्योहार हो, शादी हो, ब्याह हो, सबको निगल जा रहा है, आपको पता नहीं चल रहा। आपका कॉन्फिडेंस है आपके पास में? हमसे नजर मिला के बात करो तो थोड़ा सा गांव में बोलता है मुंह करो नीचे लटक जाता है। क्यों लटके? क्यों नहीं होगा? एक बार बैठेंगे, एक बार में होगा, फुल एंड फाइनल सिलेक्शन होगा। एक बार सही तरीके से चलना तो शुरू करें। अगले जब वीक में हम लोग जीडी करेंगे तो यकीन मानिए इससे भी बेहतरीन आप बन जाइएगा, आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और जिस दिन कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, आप इधर उधर बातों से एकदम दूर हट जाओगे, और उसी दिन आप औरों से अलग हो जाओगे। और जिस दिन औरों से अलग हो जाओगे उस दिन आपका कंफर्म हो जाएगा, ऊपर वाला भी लिख देगा आपका सिलेक्शन हो रहा है। जब तक भीड़ का हिस्सा बनकर रहोगे, दुनिया भर की बातों पे अपनों को भी आलोचना करते रह जाओगे,
जब ज्ञान आ जाएगा तो आपके पास टाइम नहीं है कुछ करने का, आप डूबते चले जाओगे। एक बार ज्ञान में तैरो तो सही, इतना मजा आएगा कि फुर्सत ही नहीं मिलेगा इधर उधर करने की। एग्जाम देके आओ, मेंस में लगो, ऐसा हो जाएगा, एकदम होगा। मैंने ऐसे लोगों से मिला हूं, देखा हूं, और ये मैं सच बोल रहा हूं, आकाश यात्र जीवन कभी फैले नहीं किए, बस इंटरव्यू से बाहर निकालता था उनको, उनको देखते हुए दिमाग में बन जाते हैं। अगली जो सेशन करेंगे उसमें बच्चों का जीडी जरूर करवाएंगे ताकि मेरा बच्चा फूड एंड फाइनेंस सिलेक्शन दे सके। ठीक है।